गाइस, तो जैसा कि हमारा सेमेस्टर 5 का सीरीज चल रहा था और एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो हमारा आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑनर्स है। और हिस्ट्री ऑनर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कृषि अर्थव्यवस्था, क्योंकि हिस्ट्री ऑनर्स को 11 में आपका जो टॉपिक है मुग़ल का, तो वही हम मुग़ल से संबंधित क्वेश्चन लाए हैं। कृषि क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुग़ल कृषि अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करें, परिभाषित करें, इसका विशेषता बताए। क्या है कृषि अर्थव्यवस्था, मुगल काल में कैसा था कृषि अर्थव्यवस्था, तो बताना है। तो वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही मज़ा आएगा। देखिए, 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत विश्व के सबसे आबाद क्षेत्र में एक था। जो 17वीं शताब्दी था वो भारत कहीं ना कहीं, ठीक है, सब विश्व का सबसे आबाद क्षेत्र यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र था। जो अभी दूसरा स्थान में है वो पहले भी कहीं ना कहीं था, ठीक है। तो कृषि वाला मतलब कि बहुत अधिक जनसंख्या वाला देश है भारत। मतलब मान लीजिए कि मुग़ल काल चल रहा है, ठीक है, आपका दिमाग में ये रहना चाहिए कि मुग़ल काल चल रहा है तो वहाँ जनसंख्या है या और यहाँ पे विस्तृत भूभाग भी है, विभिन्न प्रकार के मिट्टी है जो अभी भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक पर्यावरण स्थिति बना हुआ है, ठीक है। तो आपके पास भूभाग है, मिट्टी है, ठीक है, बहुत अधिक बड़ा भूभाग है, मिट्टी है, पर्यावरण स्थिति है। तो कहीं ना कहीं इस कारण से कई प्रकार के कृषि उत्पादन भी होता होगा, ठीक है। मान आपको दिमाग लगाना है, आपको सोचना, आप यही सोचिए कि हाँ मान लेते हैं, हाँ ऐसा था वैसा था, तो कहीं ना कहीं होगा। जो अभी मान के चलना है कि अभी मुग़ल काल चल रहा है, आगे देखिए तो कृषि उत्पादन हो रहा है। देखिए प्रथम, देखिए अब देखिए कहीं ना कहीं अब कृषि उत्पादन हो रहा है, तो कृषि में किसका उत्पादन हो रहा है अब ये जानना होगा, ठीक है। तो देखिए पहला बात कि खाद्यान्न का उत्पादन अधिक मात्रा में हो रहा था, जैसे कि यूरोप में एक फसल पर आधारित कृषि व्यवस्था था, ठीक है। जो यूरोप था मतलब कि मुग़ल काल में यूरोप में एक फसल पर कृषि आधारित था, एक फसल मात्र एक वर्ष में एक फसल। लेकिन यही मुग़ल काल में भारत में दो फसल आधारित इकोनॉमी था, ठीक है, दो, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। मुग़ल काल में यूरोप में एक फसल ओनली फॉर वन, लेकिन भारत में मुग़ल काल भी मुग़ल यूरोप और मुग़ल में तुलना किया जाए तो यूरोप में एक, भारत में दो था। देखिए अब क्या क्या था वो जान लीजिए। देखिए पहला बात कि उत्तर भारत में क्या था कि मौसमी फसल था, ठीक है, उत्तर भारत में क्या था, मौसमी फसल। आप मौसमी फसल में देखिए, उत्तर भारत में मौसमी फसल था, इसके अंतर्गत खरीफ फसल और रबी फसल, ठीक है, जो जानते हैं आप, खरीफ फसल रबी फसल था, ठीक है, मौसमी फसल था। आगे देखिए, कुछ किसान बीज के लघु अवधि में क्या करता था, मतलब कुछ किसान एक साल के अंतर्गत बीज का जो समय मिलता है, कुछ समय है वहाँ अन्य फसल भी उगा लेते थे, हाँ कुछ टाइम मिलता होगा, हाँ चलो थोड़ा सा और दूसरा फसल उगा सकते हैं, कोई अन्य फसल की दुरू के अलावा और कहीं ना कहीं, यानी कि खरीफ फसल और रबी फसल के अलावा कोई अन्य फसल भी उगा लेता था मुग़ल काल में, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि अब धीरे 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 नगरीकरण होने लगा, अब जनसंख्या वृद्धि होने लगा, तो कहीं ना कहीं खाद्यान्न का भी मान बढ़ेगा। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा वैसे वैसे खाद्यान्न को, मतलब कि जनसंख्या के लिए खाद्यान्न चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है, तो वो भी मांग बढ़ने लगा। जनसंख्या बढ़ रहा, नगर बन रहा, तो खाद्यान्न भी बनेगा, दुकान भी बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि खाद्यान्न भी बढ़ने लगा और इसी टाइम क्या हुआ, खाद्यान्न बढ़ा तो जो नकदी फसल था उसका मान, उसका जो मांग था बहुत अधिक मात्रा में मांग होने लगा, तो कहीं ना कहीं एक नकदी फसल का एक दौर चलने लगा, ठीक है। आगे देखिए, अब नकदी फसल का दौर चलने लगा, अब नकदी फसल क्या है, ठीक है। देखिए नकदी फसल को या तो जींस ए कामिल या जींस ए आला भी कहा जाता है, ठीक है, उस काल में जींस ए कामिल, जींस ए आला, ठीक है। देखिए पूर्व वर्ष के खेतों में खड़ी रहती थी, ठीक है, पूर्व वर्ष की खेतों में खड़ी रहती थी। जैसे कि देखो अब इसमें क्या है कि नकदी फसल में कौन कौन सा फसल आता है वो समझिए, नकदी फसल में कौन कौन फसल आता है वो समझिए, गन्ना हुआ, कपास हुआ, नील हुआ, अफीम हुआ, ठीक है, ये सब नया नया था। लेकिन क्या हुआ कि जो तंबाकू था ये एक नया था, नवीन। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुग़ल काल में रबी फसल में, नकदी फसल में कौन सा फसल नया था, तो तंबाकू नया था, ठीक है। कहीं ना कहीं इस काल में, मुग़ल काल में
कॉफ़ी का उत्पादन भी कहीं ना कहीं अधिक होता था इस काल में। तंबाकू एक नया था, इसमें गन्ना, कपास, नील, अफीम तो ये तो होता ही रहा था, लेकिन तंबाकू एक नया था। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अब रेशम का उत्पादन देखिए कहाँ कहाँ होता था, रेशम का उत्पादन। ठीक है, देखिए रेशम का उत्पादन स्पेशल बंगाल, असम, कश्मीर, पश्चिमी तट क्षेत्र, ठीक है, ये सब क्षेत्र में रेशम का उत्पादन होता था। ठीक है, बंगाल, असम, कश्मीर, पश्चिमी तट में। लेकिन इसका मुख्य केंद्र क्या था, तो इसका मुख्य केंद्र था बंगाल। इसका मुख्य केंद्र क्या था, इसका मुख्य केंद्र किसी का मुख्य क्षेत्र होता है, सेंटर एरिया होता है, तो इसका बंगाल था रेशम का। ठीक है, तो बंगाल में ये रेशम कहाँ का, बंगाल, असम, कश्मीर, पश्चिमी तट पर। ठीक है, जिसको यहाँ पे रेशमों का कीड़ों का पालन किया करता था, यहाँ पे बंगाल में क्या करता था, तो रेशम के कीड़ों का पालन करता था। ठीक है, अब देखिए नई दुनिया से भारत में क्या क्या आया है, एक मक्का, एक तंबाकू, नई दुनिया से आया, याद रखिएगा। मक्का और तंबाकू कहीं से, नया नई दुनिया से, मतलब विदेश से आया है। आगे देखिए, देखिए फसलों को बदल बदल कर लगाना और बाजार की आवश्यकता के अनुरूप, मतलब समझे, फसलों को बदल बदल कर लगाना, यही एक नकदी फसल था। ठीक है, फसलों का बदल बदल कर लगाना यही नकदी फसल का करना था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि बाजार की आवश्यकता के अनुरूप, समझे, जैसे कि बाजार में जो चीज़ का मांग अधिक हो रहा है उसी का फसल, मतलब कि वही फसल अधिक होगा कहीं ना कहीं एक बाजार की आवश्यकता के अनुरूप। अब बाजार में जैसे कि केला अधिक, मतलब कि बाजार में मान लेते हैं आपका जाके परवल बहुत अधिक बिक रहा है, तो इसका मतलब मांग हो रहा है अधिक, लोग पसंद कर रहे हैं परवल को, इसलिए मांग अधिक हो रहा है, उसका उत्पादन हो रहा है, तो वही चल रहा है, वही होता था। मुगल काल में भी जो, मतलब कि जो फसल को लोग चाहते थे उसका अधिक मांग होता था, उसका अधिक बाजार की आवश्यकता होता था, उसको अधिक बनाया जाता था। ठीक है, इस युग का एक विशेषता था जिसे अभी हमको बताएं। ठीक है, देखिए कृषि, या देखिए कृषि वर्षा जल पर निर्भर था। देखिए कृषि जैसे कि अभी क्या, अभी किस पर कृषि निर्भर है भारत में, मानसून पर, अधिक मात्रा मानसून पर, लेकिन कहीं कहीं नहर हुआ, तालाब हुआ, ठीक है, छोटे मोटे तालाब हुआ, नलकूप हुआ, इसे कहीं ना कहीं नहर के द्वारा भी किया जाता है। लेकिन पहले मुगल काल में क्या होता था कि कृषि द्वारा जो कृषि था वो कहीं ना कहीं वर्षा पर निर्भर था। ठीक है, कई कृत्रिम तरह के सिंचाई भी था, ये नहीं सोचिए कृत्रिम सिंचाई नहीं था, लेकिन था कृत्रिम सिंचाई। ठीक है, मुगल काल में देखिए कृत्रिम सिंचाई क्या था, कुआं से पानी निकालने के लिए था, जिसको तभी देखली या फिर चौरस या सकाई भी कहा जाता था, कुआं से पानी निकाल के कृषि किया जाता था, कृषि सिंचाई किया जाता था। कहीं ना कहीं उस काल में तालाब था, जलाशय था, नहर था, तो ये सब था, ये सब कृत्रिम था। ठीक है, ये सब क्या था, कृत्रिम था। लेकिन स्पेशल यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मुगल काल में जो कृषि था किस पर निर्भर था, नलकूप हुआ, मानसून हुआ, जलाशय हुआ, तालाब, तो मानसून पर। ठीक है, आगे देखिए राज्य और कृषि, देखिए राज्य और कृषि में क्या हस्तक्षेप है, दोनों में क्या संबंध है। ठीक है, राज्य और कृषि पर देखिए, राज्य कृषि विस्तार में रुचि लेता था, राज्य भी चाहता था कि कहने की कृषि का विस्तार हो, समझे, राज्य में राज्य भी चाहता था कि राज्य मतलब क्या, राज्य में एक प्रशासक होता था, वो भी मतलब कि कहीं ना कहीं वही मानिए शासक, वो भी चाहता था कि कहीं ना कहीं कृषि का विस्तार होना चाहिए, उपज का अतिरिक्त भाग जैसे कि शासक लेता था, कुलीन वर्ग लेता था, ये एक साधन था, कृषि एक साधन था, कृषि का कुछ उपज, कुछ अतिरिक्त भाग शासक और कुलीन वर्ग भी लेता था। अब देखिए अब वो कुछ ना कुछ भाग ले रहा है, तो स्वाभाविक से बात है वो चाहता होगा कि और विस्तार हो कृषि का और उसका अधिक भाग मिले, क्या सही है ना। नेक्स्ट देखिए मुगल काल का ऐतिहासिक साहित्य, देखिए मुगल काल का जो ऐतिहासिक साहित्य है उसमें भी कहा गया है कि बार बार बल दिया जाता था कृषि पर, बार बार मुगल साहित्य में, ऐतिहासिक साहित्य में भी कहीं ना कहीं जानकारी मिलता है कि मुगल काल के शासक था, जो राज्य था, जो केंद्र था, वो कहीं ना कहीं कृषि पर अधिक रुचि लेता था, वो बार बार यही बल देता था कि कहीं ना कहीं इसका विस्तार हो, कृषि उन्नत रहे, कृषि उत्पादन में गिरावट नहीं आना चाहिए, ये सब साफ साफ लिखा हुआ है मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत में। ठीक है, देखिए आयने अकबरी में क्या कहा गया, आयने अकबरी में जैसे कि आमूल गुजार को खेतिहार का मित्र रहने तथा दरिद्र किसान को अग्रिम धनराशि दिया जाता था। देखिए
अमल गुजार कहा जाता है, अमूल गुजार को मतलब कि एक बड़ा इतिहासकार, वो कहा कि जो केदार का मित्र तथा जो दरिद्र किसान गए उसको अधिक धनराशि दिया जाए, या फिर उसको कृषि का उन्नति बल दिया जाए बोला जाए, या फिर किसानों की समस्या का निवारण किया जाए, ये बताया गया है, ये सूचना दिया गया है आईने अकबरी में, वहाँ भी साफ से बताया गया कहीं ना कहीं कृषि की उन्नति हो, किसानों की समस्या का निवारण हो जाओ मतलब किया जाए, ठीक है, ताकि कृषि का अधिक उन्नति हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसान अपने खेतों में उत्तम किस्म में उत्तम किस्म के फसल का प्रयोग नहीं करते थे। देखिए, अपने खेतों में उत्तम किस्म का स्वयं खाद्यान्न फसल प्रयोग नहीं करते, समझे, किसान अपने खेत में उत्तम किस्म के खाद्यान्न का फसल प्रयोग नहीं करते थे, वो घर में भी नहीं खाते थे उत्तम किस्म के। देखिए अब क्यों उगाता था, देखिए इसलिए उगाता था क्योंकि भू राजस्व चुकाने के लिए, इसलिए भू राजस्व चुकाने के लिए अपना भोजन मोटा अनाज, देखिए उसका भोजन अलग है, उसका भोजन स्पेशल मोटा अनाज है, लेकिन वो उगाता था अलग भोजन, मतलब अलग फसल उगाता था, फसल को अलग उगा रहा है, लेकिन बात है कि उत्तम किस्म, देखिए उत्तम किस्म का उगा रहा है लेकिन फसल खाता था मोटा अनाज, सोच लीजिए क्या ही बोलिए इसके बारे में, क्या ही बोलिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कृषि, देखिए मुगल काल में कृषि समुदाय बारे में जान लीजिए, देखिए ये मुगल काल में तीन वर्ग में था, एक तो खुशकार, एगो पाहिकास्त, एगो मुजारियाद, ठीक है, ये सब था, ये एक दो तीन था, ठीक है, तीन प्रकार का था, ठीक है। लेकिन क्या होता था कि कहीं ना कहीं भूमिहीन कृषक भी एक वर्ग था, छोटा मोटा वर्ग, तो कहीं ना कहीं चार हुआ, लेकिन यदि क्वेश्चन पूछे तो आप मुख्य 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 तीन ही बताइएगा, खुदकास्त, पाहिकास्त और मुजारियन, ठीक है। जब भूमिहीन कृषक था तो वो गांव में था, देखिए अब खुदकास्त ही खुदकास्त में आते हैं, ठीक है, ये कौन कौन वर्ग के कृषक थे वो जान लीजिए। भूमि का स्वामी था, देखिए भूमि का स्वामी, ठीक है, मालिक है जमीन, जमीन का मालिक, भूमि का मालिक खुदकास्त कहलाता था, ठीक है। देखिए प्राथमिक जमींदार हुआ करता था, अपना संपत्ति बेचता था, ठीक है, खुदकास्त। पुरुषों के वंशांग्रह उत्तराधिकारी था, ये कृषि कृषक कृषक वर्ग, ठीक है। पाहिकास्त किसान वर्ग, जो दूसरों गांवों में जाकर कृषि कार्य करते थे उसे पाहिकास्त किसान कहते थे। और अस्थाई झोपड़ी था इसका, इसका कोई झोपड़ी नहीं था, इसका अस्थाई झोपड़ी था, ठीक है, जो दूसरे गाँव में अपने खेत में नहीं, अपने गाँव में नहीं, जो दूसरे गाँव में जो खेती करता जाके उसे पाहिकास्त किसान कहते थे। देखिए मुजारियान किसान, ठीक है, कम भूमि होती थी इसके पास, कम भूमि होती थी, छोटा मोटा भूमि होती थी, उनके भूमि उनके परिवार का संपूर्ण श्रम को कम लाने के लिए अपर्याप्त किराए में ज़मीन लेकर खेती करते थे, ये किराए में ज़मीन लेकर खेती करती थी, और इसके पास जो श्रम का काम था उसका मतलब कि अपर्याप्त था, बहुत ही कम था, इसका परिवार भी नहीं चलता था इससे। देखिए ये किसान वर्ग बहुत ही दुखी, बहुत ही अत्यंत का ही बोले, मतलब इसका पास इतना भूमि नहीं था, इतना ही भूमि था जो इसके पास कि वो सिर्फ उपज का सिर्फ टैक्स दे सके, अपना घर पालन भी नहीं कर सके, सोच लीजिए। और ये किसान जमीन किराए में लेके खेती करता था, सोच लीजिए। अबुल फजल के आईने अकबरी में रवि का फसल जो था 1923 बताया गया रवि फसल, ठीक है, लेकिन खरीफ फसल 1721 बताया गया, ठीक है, किसमें, तो आईने अकबरी में।